गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आर टूडेज टॉपिक इज पोम अ फ्रेंड लाइक यू विच इज अ फोर्थ क्लास एंड इट्स बाय जेसिका डी एलियट डू यू नो वट डू यू मीन बाय फ्रेंड अ फ्रेंड इज हु हेल्प्स समन हुट इन एवरीथिंग फ्रेंड वो होता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं फ्रेंड वो होता है जिसको हम अपने दिल की हर बात बता सकते हैं फ्रेंड वो होता है जिससे हम किसी भी टाइम पे कोई भी मदद मांग सकते हैं। सो लेट फ्रेंड लाइक यू इज हार्ड टू फाइंड एंड दैट स्टिल सो यहाँ पे जेसिका कह रही है कि तुम्हारे जैसा जो फ्रेंड है वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है एंड दैट योर हेयर और जैसे कि तुम यहाँ हो स्टिल ग्लोज माई माइंड और ये मुझे अभी भी हैरान कर देता है ब्लोज माई माइंड मींस टू सरप्राइज यानी कि किसी को हैरान कर देना योर काइंड एंड केयरिंग फनी एंड स्मार्ट बट जस्ट ब्रिंग यू हैव स्टोलन माई हार्ट तो यहाँ पे जेसिका अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रही है पहले तो उसने बताया कि उसके फ्रेंड के जैसा फ्रेंड मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अभी भी वो उसके साथ है तो स्टिल ये बात उसे बहुत ही सरप्राइजिंग लगती है यू आर काइंड एंड केयरिंग तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और केयरिंग हो मतलब उसका फ्रेंड जो है या उसकी जो फ्रेंड है वो उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और फनी भी है और स्मार्ट भी है बट जस्ट ब्रिंग यू यू हैव स्टोलन माई हार्ट बट लुक एट यू तुम्हे देखो तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया है तुमने तो मुझे बिल्कुल ही ज्यादा खुश कर दिया है फ्रॉम द फर्स्ट टाइम वी मेट अंटिल हेयर वेयर वी स्टैंड यहाँ पे पोइट कहती है कि उस टाइम को याद करो जब तुम अपने फ्रेंड से बिल्कुल पहली बार मिले थे और तब से लेकर आज तक देख लो हम दोनों एक साथ खड़े हैं मेड माई लाइफ परफेक्ट मेड माई लाइफ ग्रैंड परफेक्ट मीन्स वंडरफुल यानी कि उसके फ्रेंड ने उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा वंडरफुल बना दी है बहुत ही लाजवाब बना दी है ग्रैंड मीन ग्रेट यानी कि उसकी लाइफ छोटी सी लाइफ थी उसकी छोटी सी लाइफ को उसने कितना बड़ा कर दिया है यहाँ पे पोइट आपको उस टाइम को इमेजिन करने के लिए बोल रही है जिस टाइम पे आपने लाइफ में अपना कोई पहला फ्रेंड बनाया था और आप अब तक उसके साथ हो तो आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड ने कितनी ज्यादा हेल्प की होगी जिससे कि आप तब तक यहां इस टाइम पर पहुंच सके हो यू एनकरेज मी वैन एम डाउन यू मेक मी स्माइल वेन आई फ्राउन एनकरेज मीन्स टू सपोर्ट समवन की किसी को एनकरेज करना किसी भी चीज के लिए सपोर्ट करना उसकी हेल्प करना एंड डाउन मीन्स सैड यानि कि बहुत ही ज्यादा दुखी होना फ्राउन मीन्स एंग्री कभी कभी गुस्सा आ जाना तो यहाँ पे पोइटिस कह रही है दैट यू एनकरेज मी वो अपने फ्रेंड के लिए बोल रही है कि उसकी फ्रेंड जो है या जो उसका फ्रेंड है वो उसे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है डाउन जब भी मैं सैड होती हूँ या सैड होता हूं तो मुझे मेरा फ्रेंड क्या करता है एनकरेज करता है और जब भी आप परेशान हो तो आपका फ्रेंड हमेशा आपकी हेल्प करता है ऐसा तो होता ही है

और तुम्हारी शक्ल देखकर ही मुझे इतनी हंसी आती है मैं वैसे ही खुश होता हूँ कि अगर तुम कुछ ना कुछ ट्राई भी नहीं करते मीनस तुम्हारी प्रेजेंस ही मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर सोचो कि आप स्कूल आए हो और आपका बेस्ट फ्रेंड एबसेंट है तो आपका तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा भले ही आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ ना बैठे बट इवन हिज और हर प्रेजेंस मीन्स अ लॉट टू यू कि आप उसको देखकर ही खुश हो जाते हो यस yes. फ्रेंड लाइक like और तुम्हारे जैसा फ्रेंड ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड आई कॉन्ट हार्डली बिलीव सो यहाँ पे पोम में बिलीव का मतलब इमेजिन करना यानी कि पोइट सोच भी नहीं सकता दैट यू चोज टू बी माइंड यानी कि यहाँ पे पोइट सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा फ्रेंड जो इतनी मुश्किल से मिलता है एंड आई कांट बिलीव आई कांट इमेजिन दैट यू चोज टू बी माइंड कि तुमने मुझे चुना मेरा फ्रेंड बनने के लिए